फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं आपको डिलीशियस माउथ वाटरिंग चिकन स्टार्टर्स की एक ऐसी रेसिपी बताऊंगी जो आज तक आपने सिर्फ रेस्टोरेंट में खाई होगी बट आज मैं आपको घर पे बहुत ही आसान और बेसिक इंग्रेडिएंट से ये रेसिपी बनाना बताऊंगी और दो तरीके से बताऊंगी तो चलिए देर नहीं करते हैं फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं hey, 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 hey. चलिए फ्रेंड्स रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ बोनलेस चिकन ले लिया है ये वजन में साढ़े सात सौ ग्राम चिकन है इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है मैंने और बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है मैरिनेशन प्रिपेयर कर लेते हैं तो इसके लिए मैं यहाँ दो चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल दूंगी यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दो स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है मैंने एक से डेढ़ चम्मच आप नमक डाल दें स्वाद के अनुसार और इसमें आप डाल दें दो चम्मच के करीब फ्रेश लेमन जूस और दो चम्मच हम यहाँ तेल डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये हमारा जो फर्स्ट मैरिग्नेशन है वो रेडी है फ्रेंड्स इस तरह से मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है इस तरह का रैप लेना है और इसे आपको ढक लेना है अच्छी तरह से और अब हम इसे रेफ्रिजरेट करेंगे दो घंटे के लिए तब तक हम कुछ और प्रिपरेशन कर लेते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ मैंने आधा कप गार्लिक लिया है ये देखिए लहसुन को चॉप कर लेना है आपको अच्छी तरह से बारीक बारीक इस तरह से अब हम इसे फ्राई करने के लिए चलते गैस की ओर तो यहाँ मैंने गैस ऑन कर लिया है और जैसे तेल गर्म हो अच्छा गर्म हो तब आप इसमें गार्लिक डाल दीजिएगा और गार्लिक को आपको ब्राउन होने तक फ्राई करना है तो यहाँ मैं गार्लिक चिकन बनाने वाली हूँ दही गार्लिक चिकन तो ये देखिए एकदम फ्राई हो चुका है फ्रेंड्स इसी टाइम पे आपको इसको निकाल लेना है गैस को ऑफ़ कर लीजिएगा और इसको निकाल लीजिए आप तो ये देखिए एकदम क्रिस्पी गार्लिक जो है हमारे रेडी है इसकी आवाज़ सुनिए तो है ना एकदम क्रिस्पी चलिए दूसरा मैरिग्नेशन रेडी कर लेते हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ आधा कप हंग कर यानी तंगा हुआ दही लिया है दही को मैंने बांध लिया था एक कपड़े में बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए और दो टेबल स्पून के करीब आप इसमें फ्रेश क्रीम यानी कि मलाई ऐड कर लें और अच्छी तरह से इसे फेंट लें एकदम क्रीमी इसका टेक्स्चर हो जाना चाहिए इसे अच्छी तरह से चम्मच के हेल्प से आप इसे फेंट लें इसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें डालेंगे आधा कप प्रोसेस चीज़ चीज़ आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं थोड़ा सा नमक डाल देंगे और ये जो गार्लिक फ्राई किया है ये डाल देंगे थोड़ा सा गार्लिक रहने देंगे गार्निश के लिए और इसमें आधा चम्मच मैंने ग्रीन पेस्ट यानी अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ये हमारा सेकेंड मैरिग्नेशन फ्रेंड्स रेडी है तो दो घंटे हो चुके हैं फ्रेंड्स चिकन को फ्रिज में इसे निकाल लिया है देखिए कितना ठंडा है ये और अब मैं ये चिकन को इसमें ट्रांसफ़र कर लूँगी या आप मैरिग्नेशन को बोल में ट्रांसफ़र कर लें कैसा भी आप चाहते हैं वैसे कर लें और इसे भी अच्छी तरह से आप इस तरह से मिक्स कर लें और ये हमारा जो सेकेंड मैरिग्नेशन है वो रेडी है अब इसे भी हम फ्रेंड्स अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कवर कर लेंगे प्लास्टिक रैप से और इसे कवर कर लेते हैं और इसे फिर से हम दो घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे आप चाहे तो एक घंटे के लिए भी रख सकते हैं बट दो घंटे रखेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्टर बनेगा दो घंटे बाद हमारा चिकन मैरिनेट होकर रेडी है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स इसमें से एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल इसका कलर देखिए एकदम क्रीमी टेक्स्चर है इसका तो चलिए अभी दो तरीके बताने वाली हूँ मैं इसे कैसे आपको बनाना है तो इसके लिए फॉइल पेपर ले लूँगी मैं और छोटे छोटे इसके टुकड़े कर लेंगे इस तरह से और इसके ऊपर आप चिकन के पीसेस रख लीजिए तो आप रख लीजिए छः से सात पीसेस अकॉर्डिंगली आपको जैसे करना है उस हिसाब से आप कर लीजिए तो पीसेस भी बहुत छोटे हैं फ्रेंड्स इसके और इसको आपको इस तरह से रैप कर लेना है ये देखिए इसमें से बिल्कुल भी इसका जूस बाहर नहीं निकलना चाहिए इस बात का आप ध्यान रखें तो इस तरह से आपको रैप करना है दो से तीन रैप करिएगा आप ताकि ये फटे नहीं और इसमें से जो जूस है वो निकले नहीं अंदर ही रहे तो मैंने यहाँ दो रैप कर लिए हैं इसी तरह से आप सारे रैप कर लीजिए फिर से बता देती हूँ देखिए इस तरह से कर लेना है आपको रैप दो बार या तीन बार आप रैप कर सकते हैं और चलिए ये देखिए मेरे रैप्स रेडी हैं अब मैंने यहाँ ये नेट वाला जाली ले लिया है और इसके ऊपर मैं इसको करने वाली हूँ एकदम तंदूरी स्टाइल ये होगा फ्रेंड्स और बहुत ज़्यादा मॉइस्ट और यमी बनता है इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा तीनों पैकेट्स को मैं एक साथ अभी रखूँगी इस तरह से और बाद में मैं एक एक करके इसको फिर से करूँगी तो पहले आप इस तरह से देख लीजिए इसको होने देते हैं और बार बार इसे पलटेंगे हम तब तक मैं आपको दूसरा भी तरीका बता देती हूँ इसे दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर लेते हूँ पैन ले लूँगी मैं इस तरह से और इसमें जो गार्लिक वाला ऑयल बचा था ना वही मैं यहाँ यूज़ करने वाली हूँ इस तरह से और इसको मैं पलट ले लेती हूँ एक बार ये देखिए आप चिमटे की हेल्प से इसे पलट सकते हैं ये देखिए थोड़ा हाथ संभल के करिएगा फ्रेंड्स बट फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है तो इतना तो मेहनत बनता है फ्रेंड्स तो चलिए यहाँ पे भी थोड़ा तेल गरम हो चुका है इसमें थोड़ा सा बटर डाल दूंगी ऑप्शनल है बटर पर बटर का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है इसलिए मैं डाल रही हूँ इसमें तो दोनों में से जो तरीका आपको पसंद है आप वो कर सकते हैं अब ये जो चिकन है ये इसमें डाल देंगे तो इसमें भी फ्रेंड्स मलाई है यानी कि फ्रेश क्रीम है तो उसका भी तेल छूटता है तो बाद में काफ़ी ज़्यादा तेल हो जाता है इसका तो आप देखिए आपको कौन सा तरीका ज़्यादा पसंद है तो इस तरह से आपको कर लेना है और अब मैं इसको ढक दूंगी ढक के इसको कुक करना है क्योंकि इसका पानी छूटने वाला है अब तो पाँच मिनट के लिए इसे ढक लेते हैं और उसको भी आप देखते जाइए पाँच मिनट बाद आप देखेंगे कि इसका पानी छूट चुका है इसे एक बार मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरह से और आप बार बार वो वाला भी पलटते रहिएगा फ्रेंड्स फिर से पाँच मिनट के लिए इसे कवर करके रखूँगी और इसको पलट लेती हूँ मैं इस तरह से और अब पांच मिनट के बाद हम देखते हैं इसका तो ये देखिए अब ये काफ़ी अच्छी तरह से हो चुका है फ्रेंड्स अब मैं इसे ओपन ही होने दूंगी हाई फ्लेम पे दो से तीन मिनट में ये पूरा ड्राई हो जाएगा आप देख सकते हैं पैन का कलर और वहाँ मैंने एक सिंगल ही रख दिया है अभी पैकेट और वो दो पैकेट को निकाल दिया है वो भी काफ़ी गर्म है तो आप एक पैकेट खोलिए उसे खाइए तब तक दूसरा रखिए इस तरह से कर सकते हैं एकदम गर्मा गर्म जूसी गार्लिक चिकन रेडी हो जाएगा तो ये देखिए ये ऑलमोस्ट रेडी है पैन वाला तो इसे मैं निकाल लेती हूँ देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आया है है और इसको मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और मीडियम फ्लेम पे इसे फिर से करूँगी दो मिनट के लिए ये देखिए इस तरह से तो टोटल आपको दस मिनट के लगभग हो जाएंगे दोनों में ही दस मिनट के लगभग आपको टाइम लग जाएगा इसको प्रिपेयर करने के लिए चलिए ट्रांसफ़र कर लेती हूँ तो ये पैन वाला है फ्रेंड्स इसका कलर थोड़ा ब्राउन आता है ये देखिए कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं एकदम जैसे रेस्टोरेंट में मिलते हैं ना उसी तरह का इसका टेस्ट आता है फ्रेंड्स और ये है फॉइल पेपर वाला जो आपके सामने मैं अभी आपको खोल के बताऊंगी तो हाथ थोड़ा संभालिएगा फ्रेंड्स क्योंकि इसमें से काफ़ी स्टीम निकलेगी काफ़ी गर्म है अभी और गर्मा गर्म खाने का मज़ा ही आता है फ्रेंड्स तो गर्मा गर्म ही खाइएगा ये चिकन को मैरिनेट करने का तरीका आपने देख ही लिया है कितना आसान है जब आपको चिकन खाना है तभी के तभी आप फ्राई करें और गर्मा गर्म इसे सर्व करें तो देखिए ये खुल चुका है और इसमें से कितनी स्टीम आ रही है चलिए अब आप मैं आपको बता देती हूँ कि चिकन को है कि नहीं तो इस तरह से मैं कट कर लेती हूँ ये देखिए एकदम परफेक्टली कुक है दस से बारह मिनट में पैन वाला चिकन भी कुक हो जाता है और ये फॉइल पेपर वाला भी और इसका कलर आप देख सकते हैं ये देखिए कितना गर्मा गर्म है गर्मा गर्म खाने का मजा ही अलग होता है फ्रेंड्स एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल वाली फील आने वाली है और ये जो फॉइल पेपर वाला है ये एकदम मॉइस्ट होता है चिकन फ्रेंड्स जिसको मॉइस्ट पसंद है वो ये ये खा सकता है ये ट्राई कर सकते है और जिसको थोड़ा क्रिस्पी ऊपर का लेयर पसंद है वो फ्राई पैन में कर सकते हैं दोनों ही तरीके एकदम अलग है फ्रेंड्स गार्निश कर देंगे धनिया से चटनी के साथ सर्व करें और इसके ऊपर ज़रूर डालें ये जो फ्राई किए हुए गार्लिक हमने बचाए थे ताकि जब हम बाइट ले इसका तो जो गार्लिक की क्रंचीनेस है उसका भी मज़ा आए तो देखिए फ्रेंड्स हमारे गार्लिक दही चिकन स्टार्टर्स रेडी है घर पर एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल तो दोनों तरीके मैंने आज आपको बताया है कौन सा तरीका आप ट्राई करने वाले हैं या आपने ट्राई किया है तो वापस आके फीडबैक भी दीजिएगा एकदम आसान तरीके से मैं रेसिपी लेके आती हूँ ताकि आप झटपट से जाके बना सकूँ बहुत ही बढ़िया ये चिकन स्टार्टर्स की रेसिपी है कैसी लगी आपको ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा लाइक भी कीजिए शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को टिल देंड टेक केयर बाय